नगर की सरकार बनाना है कुकड़ेश्वर, और आपको बड़ी जवाबदारी पार्टी ने दी है, किस तरीके की रणनीति रहेगी यहाँ की? देखिए, वैसे तो 8 पार्टी के और 3 निर्दलीय पार्टी के समर्थित, 11 की शक्ति है हमारे पास, इसलिए सरकार तो भाजपा की बनना ही है। अब ये है कि किसके नेतृत्व में बनेगी, इसके ऊपर संगठन निर्णय लेगा। आज मैंने रायशुमारी ली है सारे पार्षदों से, निर्दलीय और पार्टी के दोनों ग्यारह पार्षदों से मैंने रायशुमारी ली है। उसके आधार पे और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए और भाजपा संगठन अपने जिले स्तर से और प्रदेश स्तर से इस पर अंतिम रूप से निर्णय लेगी। जो निर्दलीय पार्षद थे उनको पार्टी में ले लिया गया? अभी तो नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने सबने अपनी सहमति व्यक्त की है, किसी भी समय उनको ले सकते हैं। कितने उम्मीदवार आ रहे हैं सर आप? अभी तो 2 ही हैं। प्रमुखता से कौन सा नाम? एक तो उज्ज्वल पटवाजी है, उनकी पत्नी है, और एक अपना महेंद्र पटवाजी की पत्नी है। संभावना क्या लग रही है? संभावना कुछ भी कहना, क्योंकि मैं कह नहीं सकता कुछ भी, इसलिए संभावना कहना तो मुश्किल है। पार्टी हित में संगठन निर्णय लेगा। गाइडलाइन क्या रहेगी सर इस इलेक्शन को लेकर? निश्चित रूप से जो पार्षदों की रायशुमारी है उसको ध्यान में रखा जाएगा। उसको ध्यान में तो आप रखेंगे, उसके बावजूद भी अगर कहीं इलेक्शन होता है, भाई देवेन में टकराहट होती है, तो उसको कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए, संभावना तो है नहीं, थोड़ा बहुत राजी नाराजगी तत्कालिक हो सकती है, बाकी उसकी संभावना नहीं है। जो मैंने रायशुमारी ली है उसमें कोई विद्रोह जैसी स्थिति नहीं दिख रही। कभी ऐसा हुआ सर? मुझे नहीं लगता। हाँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन नहीं लगता। अक्सर क्या लगता है सर, सरकार आपकी बनेगी? श्योर सरकार बनना है सर? ये भी कयास लग रहा है कि कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और कुछ निर्दलीय कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं? नहीं, संभावना नहीं। जो मैंने निर्दलियों से भी चर्चा करी, 3 निर्दलियों से तो मेरी चर्चा हुई है, अंतिम रूप से उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होगा पार्टी का हम मान्य करेंगे। पार्टी का निर्णय मान्य करेंगे सर। कैसा लगा सर कुकड़ेश्वर? आप बहुत बढ़िया। पटवाजी की कर्मभूमि है, उन्होंने प्रदेश से लेके तो राष्ट्रीय स्तर तक भाजपा को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से इस कर्मभूमि पर आकर बहुत अच्छा लगा। पर कहीं ना कहीं भाजपा बटी हुई है। देखिए, जहां इतनी बड़ी पार्टी होती है, आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, वो एक समय के लिए होते हैं, बाकी है तो एक ही सब। अगर ऐसा होता तो क्या 11 लोग यहाँ जीत के आते, और क्या पूरे प्रदेश में जिस हिसाब से भाजपा जीत के आई है ऐसा होता है क्या? ठीक है, आपस में एक परिवार है तो कुछ ना कुछ तो बर्तन टकराएंगे। मनभेद और मतभेद दोनों यहाँ पर देखने को मिलते? नहीं, मेरे को नहीं लगता है ना सर। वो आप, मुझे ऐसा नहीं है, आप सोच सकते हो अपनी दृष्टि से, हम नहीं सोचते। फिर भी सब बताइए ना, कमल किसके हाथ में खिलाएंगे आप? ये कहना अभी मेरे लिए उचित नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद।